You are listening to Namaskar India podcast, where we try to understand the vastness, diversity and cultural heritage of India we live in today. One story and one conversation at a time. Episode 12, The Dark Age. अगर मैं कहूं कि इंडिया से मीलों दूर खड़े ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का जब कंस्ट्रक्शन हुआ, इट सेट ऑफ अ चेन रिएक्शन ऑफ इन्वेजन्स इन इंडिया, आपका क्या रिएक्शन होगा? हेलो एंड वेलकम टू नमस्कार इंडिया, और मैं हूं आपकी होस्ट आराधना। टाइम को रिवाइंड करके चलिए चाइना चलते हैं। रेडी? लेट्स गो। अराउंड 221 BC चिन शी हुआंग ने पूरे चाइना को कंसोलिडेट किया और पहले इंपीरियल एम्परर बन गए। पर चाइना के नदर्न बॉर्डर्स पे ज्यांगनू लोगों का आतंक था। ये लोग एशियन स्टेप यानी मंगोलिया वाले एरिया के नोमैडिक ट्राइब्स थे, जो चाइना पे इन्वेजन करते रहते थे। अब अपने बॉर्डर्स को इनके आतंक से बचाने के लिए उन्होंने एक तरकीब निकाली, जो छोटे छोटे वॉल्स डिफरेंट स्टेट्स ने अपने बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बनवाए थे, उन्होंने उन सबको कंसोलिडेट करके ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बनवाने का आदेश दिया। तो ये जो ट्राइबल इन्वेडर्स थे, अब ये खाली तो बैठेंगे नहीं, किसी ना किसी के नाक में तो दम करेंगे ही ना। तो ये लोग ईस्ट यानी चाइना की तरफ ना जाके वेस्ट की तरफ बढ़ते हैं और वहां की नोमैडिक ट्राइब यूएसी को परेशान करते हैं और उनको उनके एरिया से खदेड़ देते हैं। अब ये यूएसी ट्राइब थोड़ी ना चुप बैठेगी। ये लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं किर्गिस्तान एंड कजाकिस्तान वाले एरिया की तरफ और वहां की साका ट्राइब के साथ कीड़े करते हैं। और अब ये साकास इंडो ग्रीक्स यानी यवनों के ऊपर अटैक करेंगे और उनसे बैक्ट्रिया हड़पेंगे और उसके बाद इंडस वैली वाला एरिया। एंड इन 80 BC अंडर देयर किंग माउस, जो कि मोगा के नाम से भी प्रसिद्ध हैं, दे एक्सटेंडेड देयर एम्पायर अप टू मथुरा। दीज साकास आर आल्सो नोन एज इंडो सिंथियंस। जस्ट वाओ, इजंट इट? कैसे चाइना की एक दीवार ने इंडिया की किस्मत बदल डाली। इन चेन रिएक्शंस या रिपल इफेक्ट्स को डोमिनो इफेक्ट भी कहा जाता है। ओके, 80 BC के आते आते वेस्टर्न यूरेशिया में द सेल्यूसिड एम्पायर वॉज रिप्लेस्ड बाय रोमन एम्पायर एंड पार्थियन एम्पायर। एंड इन 60 BC आफ्टर मोगास डेथ द साका एम्पायर बिकेम वीक और पार्थियंस इसका एडवांटेज लेते हैं और 19 CE में इंडस वैली को साका से छीन लेते हैं। नॉर्थ वेस्ट एरिया के पार्थियन लोग इंडो पार्थियंस या पहलवास के नाम से भी जाने गए और इनकी वजह से ही साकास का रूल सौराष्ट्र और मालवा प्लाट्यू वाले एरिया तक सीमित हो जाता है, वेयर दे रूल अंटिल 400 CE। ऑलराइट, अगर रिलीजन की बात की जाए तो साकास ने यवनों के भांति बुद्धिज्म को पैट्रोनाइज किया, जिसे पहलवाज ने कंटिन्यू किया। इसके अलावा पहलवाज अपने साथ जोरोएस्ट्रियनिज्म के कॉन्सेप्ट्स भी यहाँ लेके आए। तो ऑल इन ऑल इंडस प्लेन्स में यानी नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में तो काफी धुआंधार एक्शन चालू था। कब किसकी सत्ता पलट जाए, कब कौन क्या हथियार ले, ये कहना मुश्किल था। अब बस भी करो एंड थोड़ा तो ब्रेक लो, अब और कितने इन्वेजन्स होंगे। वो यूजी ट्राइब याद है जिन्होंने साकास को खदेड़ा था? अब उनकी नज़र बैक्ट्रिया पे पड़ती है और अगर आपको बैक्ट्रिया हड़पना है तो इंडो पार्थियंस यानी पहलवास को उधर से भगाना पड़ेगा। तो दुश्मन का दुश्मन हुआ दोस्त, तो रोमन एम्पायर के साथ अलायंस बना के यूजी ट्राइब बैक्ट्रिया और इंडस वैली हथिया लेती है और यहाँ से शुरुआत होती है एक नए एम्पायर की, कुशान एम्पायर की, अंडर देयर किंग कजुला कडफाइसिस, और टाइम है 30 CE। 120 CE में कजुला कडफाइसिस के ग्रैंडसन कनिष्का जब राजा बनते हैं, वो कुशान एम्पायर को इसकी ऊंचाइयों तक लेके जाते हैं। द एम्पायर कंट्रोल्ड मॉडर्न डे बलूचिस्तान, वेस्टर्न पाकिस्तान, अफगानिस्तान, किर्गिस्तान, तजकिस्तान, उज्बेकिस्तान एंड तुर्कमेनिस्तान।
अलॉन्ग विद मोस्ट ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। बाकी एम्पायर्स की तरह कनिष्का ने भी बुद्धिज्म को पैट्रोनाइज किया। इनफैक्ट इनके टाइम के दौरान ही बुद्धिज्म दो भाग में डिवाइड हुआ, हीनयान एंड महायान बुद्धिज्म। हीनयान बुद्धिज्म में बुद्धा के ओरिजिनल टीचिंग्स को फॉलो किया जाता है। महायान बुद्धिज्म में बुद्धा को भगवान का दर्जा दिया जाता है, उनकी मूर्तियों की पूजा की जाती है और ये माना जाता है कि बुद्धा के प्रति समर्पण से मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है। इसके अलावा कुषाण एम्पायर ऑल्सो बोरोड द कॉन्सेप्ट ऑफ देवकुलास फ्रॉम रोमन एम्पायर हु बोरोड इट फ्रॉम इजिप्शियंस, जहां राजा को दिव्य या भगवान माना जाता है, उनकी मूर्तियां बनवाई जाती हैं और उनकी पूजा की जाती है। कुषाण्स अपने इतने बड़े एम्पायर में अपने फ्यूडेटरीज के थ्रू शासन करते थे, तो सामंतवाद यानी फ्यूडलिज्म की थोड़ी झलक आपको कुषाण एम्पायर में देखने को मिलेगी। यानी जब भी वो कोई नया राज्य हड़पते, वहां के राजा को अपनी सुजेंटी यानी कि आधिपत्य के अंडर काम करने बोलते, लाइक अ फ्यूडेटरी। ओके, 230 सी के आसपास वेस्टर्न यूरेशिया में पर्शियन एम्पायर वॉज रिप्लेस्ड बाय ससानियन एम्पायर, और जब ये लोग पावर में आए कुषाण एम्पायर पे भारी पड़े। इंडियन सबकॉन्टिनेंट के बाहर का जो भी कुषाण कंट्रोल्ड एरिया था अब वो ससानियन एम्पायर के अंडर आ गया। अब कुषाण एम्पायर जब वीक हो गई तो इसका फायदा इनके ही एक फ्यूडेटरी उठाएंगे जो कि उत्तर प्रदेश के एरिया को मैनेज करते थे। 320 सी में वो अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर देते हैं अपने राजा चंद्रगुप्त के अंडर, और वहां से गुप्ता एम्पायर की शुरुआत होती है। 200 BC to 300 CE is marked by invasions, annexations and takeovers. Wow, all these definitely sound grim. शायद इसीलिए इंडियन हिस्ट्री में इस टाइम को डार्क एज कहा जाता है। But was it really that dark? Let's think about it for a bit. The Greeks brought with them their coin. उनकी मुद्राएं क्षेत्रीय अथवा अंतर क्षेत्रीय व्यापार में काफी सहयोगी बने। द रोड बिटवीन इंडिया एंड बैक्ट्रिया बिकेम अ ब्रिज टू एंड फ्रॉम द वेस्ट, और इंडिया के गुड्स एंड प्रोडक्ट्स को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म मिला, एंड इन रिटर्न वी ऑल्सो गॉट एक्सपोज टू वेस्टर्न कल्चर एंड ट्रेडिशंस। इसके अलावा वो अपने साथ अपने एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, आर्किटेक्चर एंड आर्ट के आइडियाज लाए, which mixed and mingled with the ideas in India and resulted in advancements in these areas. Sakas and Kushans तो tribal लोग थे, तो उनका खुद का कोई script, language और religion तो था नहीं, तो वो जहां आके बसे वहीं के culture को अपना लिया, यानी कि mix of Greek and Indian culture, और उसे बढ़ावा दिया। स्पेशली बुद्धिज्म एंड हिंदुइज्म को इन राजाओं ने काफी पैट्रोनाइज किया। सो ये कहना सही होगा कि दे गॉट इंडियनाइज्ड, वो यहाँ आए और यहाँ के हो गए। गौर करने की बात ये भी है कि ये अपने साथ कई मिलिट्री एडवांसमेंट्स एंड वॉर के टेक्निक्स लेके आए, जो इन सेंट्रल एशियन ट्राइब्स की खासियत थी, स्पेशली इन कैवलरी यानी कि घुड़सवार सेना में। अब ये लोग सेंट्रल एशिया से आए थे, सो वहां से कांटेक्ट में तो रहेंगे ही, और उस वजह से इंडिया का ट्रेड नेटवर्क वहां भी फैला। ओके, थोड़ी सी साइड इंफॉर्मेशन। सिल्क यानी रेशम के कपड़े बनाने की टेक्निक को सबसे पहले चाइना ने अनलॉक किया एंड केप्ट इट एज अ ट्रेड सीक्रेट। और जैसा कि हम सब जानते हैं, सिल्क के कपड़े यानी कि रॉयल्टी, तो रोमन सिल्क के काफी बड़े फैन थे और चाइना से सिल्क इंपोर्ट करवाते थे, और जिस रोड से सिल्क चाइना से उन तक पहुंचता वही सिल्क रोड कहलाया। ये रोड चाइना से शुरू होके सेंट्रल एशिया से गुजर के अफगानिस्तान और फिर ईरान से होते हुए मेडिटेरेनियन सी एरिया यानी कि रोम तक पहुंचती। अब गौर करने की बात ये है कि सेंट्रल एशिया और अफगानिस्तान में जहां से ये रोड गुजरती थी वो एरिया कुषाण एम्पायर के अंडर आता था,
सो उन्होंने उस रोड पे टैक्स एंड टोल लगाए और खूब पैसे बनाए। अब ये सारा पैसा जहां वो राज कर रहे थे वहीं तो इन्वेस्ट होगा ना। तो इंडिया डिड बिकम रिच ड्यूरिंग दिस टाइम विद ऑल द इकोनॉमिक ट्रेड एंड पॉलिटिकल कनेक्शंस दीज एम्पायर्स हैड। और शायद इसीलिए न्यू एज हिस्टोरियंस इस पीरियड को डार्क एज ना बोल के मर्केंटाइल एज कहते हैं। एंड नो डाउट व्हाई दिस पीरियड प्रीसीड्स द गोल्डन एज ऑफ इंडिया व्हेन द कंट्री सॉ अ लॉट ऑफ इनोवेशंस अचीवमेंट्स एंड एडवांसमेंट्स। इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू इजंट इट? इस बात पे जरूर विचार कीजिएगा। अगले एपिसोड में हम अपनी स्टोरी को 320 सी के आगे बढ़ाएंगे और गुप्ता एम्पायर के बारे में बात करेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड दिस इज योर होस्ट आराधना साइनिंग ऑफ अंटिल नेक्स्ट टाइम। एंड डोंट फॉरगेट टू हिट दैट सब्सक्राइब बटन ऑन योर पॉडकास्ट ऐप और यूट्यूब सो दैट यू डोंट मिस ऑन एनी एपिसोड्स। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो किसका वेट कर रहे हैं, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जल्दी से इसे शेयर कीजिए। इफ यू हैव एनी फीडबैक यू कैन मैसेज मी ऑन फेसबुक इंस्टाग्राम और ट्विटर जिसके लिंक्स आपको एपिसोड के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे।